हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या और आप आए संध्या इन रसोई में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर, जिसका नाम है दाल पकवान। ये है सिंधी रेसिपी और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बनाने में भी बहुत ही आसान होती है। तो मैं आपको इस रेसिपी को बताती हूँ बनाना कि इसमें क्या क्या लगना है। सबसे पहले इसमें लगती है चने की दाल, जो मैंने एक कटोरी ली है, और एक कटोरी मैदा और 2 चम्मच सूजी। इस दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर हमें रखना है, क्योंकि हमें इसको अच्छा मुलायम करना है गला करके। तो मैंने इस दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख लिया है। ये देखिए आप, ये इस तरह से भीग करके रेडी हो गई है। देखिए ये ऐसे दबने लगी है ऐसे। ये अब हम इसको कुकर में 3 से 4 सीटी लगाने के लिए रखेंगे। फिर हम ये डो लगाएंगे पकवान बनाने के लिए। तो पहले हम दाल तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें ये दाल डाल लेते हैं। ये अच्छी तरह से गल करके तैयार हो गई है। इसे हम 1.5 कप पानी डालेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। एक पिंच हींग डालेंगे और हम इसको ढक्कन लगा करके रख देते हैं। 4 सीटी लगाएंगे इसके। अब हम पकवान का डो तैयार करते हैं। ये हमने ली है 1 कटोरी मैदा छान कर ली है, और इसमें लिया है हमने 2 चम्मच सूजी, और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच तेल। एक चम्मच नमक, 1 अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके रख लेते हैं, थोड़ा सा जीरा। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी दाल पककर रेडी हो रही है, तब तक हम इसका डो तैयार करते हैं। इसका डो हम पूड़ी जैसा रखेंगे, जैसे पूड़ी का बनाते हैं। बहुत सख्त भी नहीं और बहुत मुलायम भी नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार कर लेते हैं। ये डो हमने अच्छा सख्त तैयार कर लिया है। अगर ज़रा भी मुलायम होगा तो हमारे पकवान लूज हो जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सख्त लगाना। इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमने ये आटा निकाल करके इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम पकवान बेल कर तैयार करते हैं, जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है। हम इनको बहुत पतले रखेंगे, जिसमें कि ये फूले नहीं और अच्छे खस्ता बने। अब हम इससे कट कर लेंगे, जिससे कि सभी एक साइज के बने। आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम इसको फोक की मदद से ऐसे ऐसे कर देंगे, जिसमें ये फूले नहीं हमारा और अच्छा बने। ये ऐसे इस तरह से हम सभी तैयार कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है। इसको हम थोड़ा मसल मसल के थोड़ा अच्छा कर लेंगे, इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। दाल पकवान को हम कभी भी बना के नाश्ते में खा सकते हैं। पकवान को हम पहले बना के रख लें, दाल फिर हम गरम गरम बना करके और खा सकते हैं। नाश्ते में, डिनर में, कभी भी खा सकते हैं। ये अच्छी हो गई है दाल। अब हम दाल को
तड़का लगाएंगे दाल में। ये मैंने एक छोटा सा तड़का पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। आँच को मैंने मध्यम रखा हुआ है, इसमें डालूंगी जीरा, हींग, करी पत्ता, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो कोई डालता भी है कोई नहीं भी डालता, ये 2 लाल मिर्ची, इसी हुई लाल मिर्ची, ये थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आपकी इच्छा हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा धनिया पाउडर, हमारा रेडी है और ये हमने दाल भी लगा दिया है, बहुत ही अच्छी दाल बनी है। अब हम तैयार करते हैं पकवान। ये पकवान बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सिंधी रेसिपी है लेकिन सभी आजकल इसको मार्केट में खाते हैं, हम घर पर बनाकर खाएंगे कैसे लगते हैं। आप चाहें तो इसमें खटाई के लिए नींबू, इमली, अमचूर, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये पकवान डाल देते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये पकवान और इसको हम थोड़ा दबा दबा करके ऐसे दबा करके कलछी से तलेंगे। हमने इसमें फोक की मदद से ऐसे छेद कर दिए जिसमें कि ये फूले नहीं और अच्छा क्रिस्पी बन करके तैयार है। इसी तरह से हम हमारे सारे पकवान तलकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से तला गया है, हमारे पकवान बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी ऐसे पकवान ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपके पकवान कैसे बने हैं। अगर कभी बाई चांस आपका आटा गीला हो जाए तो आप उसमें थोड़ी सी मैदा और डाल करके उसे अच्छा टाइट कर लें जिसमें कि ये क्रिस्पी हो, अगर थोड़ा भी गीला होगा तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए ऐसे तैयार करना है। हम इनको दबा दबा कर इसलिए तल रहे हैं कि जिसमें ये सीधे रहें, टेढ़े नहीं हो जाए तलने में, इसलिए हम इनको। ये देखिए हमारे दाल पकवान रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, हमारा दाल पकवान बनकर के रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आप ऐसे ही बनाइए और मुझे बताइए कि आपके दाल पकवान कैसे बने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दाल पकवान बहुत ही टेस्टी बने हैं, सुनकर ही नाम मुंह में पानी आ जाता है, तो आप बनाइए सिंधी रेसिपी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अभी आप इस वीडियो में पूरे समय मेरे साथ रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।